तो खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय राजगढ़ में आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस मूल्यांकन शिविर का आयोजन समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सौजन्य से किया गया। यह जानकारी देते हुए मूल्यांकन टीम के प्रभारी डॉक्टर अगम आलोक ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के इन दिनों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। मेरा नाम अगम आलोक है और हम एलिम्को से हैं। एलिम्को मतलब आर्टिफिशियल लिम मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलिम्को एक PSU है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो और हम एलिम्को में P&O पोस्ट पे हैं। यहाँ पे हिमाचल में कैंप लगा हुआ है SSA का। SSA मतलब समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं फ्रॉम एज ऑफ 3 अप टू द एज ऑफ 18, ये जो CWSN है मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जो PWD बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग मतलब एलिम्को जो है वो एड्स एंड अप्लायंस प्रोवाइड कराती है। तो अभी हिमाचल में हमारी टोटल 6 टीमें लगी हुई हैं जो कि असेसमेंट कैंप्स कर रही हैं, मतलब इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना और इन बच्चों के लिए जो ऑप्टिमम एड्स हैं उनको प्रिस्क्राइब करना। इसी तरह का एक और कैंप लगेगा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैंप। डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में इन बच्चों के लिए जो आज असेसमेंट होके इनके लिए एड्स रजिस्टर हुए हैं, उस दिन उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।